तो सबसे पहले एक्सरसाइज 2.2 के हम एग्जांपल्स कर रहे हैं, एग्जांपल नंबर 5 करेंगे। एग्जांपल नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट शुड बी द एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर ऑफ -7/3 टू गेट 3/7। बोल रहे हैं कि हमें क्या ऐड करना पड़ेगा ट्वाइस ऑफ दिस, हमें इस नंबर के डबल में क्या ऐड करना पड़ेगा ताकि हमारे पास 3/7 जो है वो आंसर आ जाए। तो हम इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि हमने कौन सा रैशनल नंबर जो है वो ऐड करना है। लेट लेट द डिजायर नंबर बी एक्स, हम एक्स मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला गया है कि ट्वाइस ऑफ 7/3, मतलब कि -7/3 का ट्वाइस करना है, इसमें एक्स को ऐड करना है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा 3/7। यही बोला था कि इस नंबर के डबल में क्या जोड़ें कि 3/7 आ जाए। तब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -7/3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3/7। ये यहाँ माइनस का तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 3/7 प्लस 14/3। अब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम इनका आ जाएगा 21, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 प्लस 7, 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98, 98 में 9 ऐड करेंगे तो 107 डिवाइडेड बाय 21, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल्स बहुत जरूरी होते हैं आपको करने। तो एग्जांपल नंबर 6 है हमारे पास, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 2 × 3/4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर गिवन है और हमें इसकी विड्थ गिवन है और लेंथ जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम लेंथ को एक्स मान लेते हैं या लेंथ को एल ही रहने देते हैं। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी, उसको एल ही मान लेते हैं हम लेंथ को, और हमें जो है वो विड्थ उसकी गिवन है, मतलब कि बी हमें गिवन है 2 × 3/4। इसको चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 × 2 = 8, 8 में 3 ऐड करेंगे 11/4 सेंटीमीटर। और उसका पेरीमीटर हमें गिवन है, पेरीमीटर जो है वो हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर, पेरीमीटर हो गया 13 सेंटीमीटर। अब हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 × L + B इज इक्वल टू, ये कितना गिवन है, ये 13 सेंटीमीटर गिवन। 2 × L हमें पता नहीं है, B हमारे पास है 11/4 इज इक्वल टू 13। तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा L प्लस 11/4 इज इक्वल टू 13/2। ये यहाँ प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, 13/2 - 11/4। एलसीएम इसका 4 ही आ जाएगा, एलसीएम आ गया 4, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 2 को 13 से मल्टीप्लाई किया 26, 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 को 11 से मल्टीप्लाई किया 11, 26 में से 11 माइनस करेंगे 15/4 सेंटीमीटर हमारे पास जो है वो लेंथ आ जाएगी। इसको अगर दूसरी फॉर्म में लिखना तो ये हो जाएगा 3/4/3। तो ये हमारा आंसर हो गया सेकेंड एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल नंबर 6 का। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारे पास, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, आफ्टर 5 years देयर एज विल एड टू 66 years, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। हमें बोला गया कि जो साहिल की आज की एज है वो उसकी मदर की एज का जो है वो
साहिल की मदर की जो एज है वो साहिल की एज का 3 गुना है आज की डेट में। आफ्टर 5 ईयर 5 साल बाद अगर हम उन दोनों की एज को ऐड करेंगे तो हमारे पास 66 आएगा। हमें उनकी एज जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम साहिल की एज को एक्स मान लेते हैं तो उसकी मदर की एज उसकी 3 टाइम्स है तो उसकी मदर की एज जो है वो हमारे पास 3x हो जाएगी। तो लेट द एज ऑफ साहिल लेट साहिल्स एज साहिल की एज हम मान लेते हैं कि वो एक्स ईयर्स है तो मदर की एज क्या आ जाएगी मदर की एज हमारे पास हो जाएगी 3x ईयर्स। अब 5 साल बाद आफ्टर फाइव ईयर्स अगर आज उसकी एज एक्स है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 5। तो साहिल की एज क्या आफ्टर 5 ईयर्स साहिल एज एक्स में 5 जोड़ देंगे और मदर सेज क्या आ जाएगी आज कितनी है 3x में 5 जोड़ देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है हमारे पास इन दोनों को ऐड अगर हम करेंगे दोनों की एज को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 66 आएगा। तो ऐड किस किस को करना है एक तो हमारे पास साहिल की एज है जो कि है एक्स प्लस 5 और एक हमारे पास उसकी मदर की एज है जो कि 3x प्लस 5 है। इनको अगर हम ऐड करते हैं तो 66 आ रहा है। 3 प्लस x प्लस 3x हमारे पास हो जाएगा 4x ये हो गया हमारा 4x। 5 प्लस 5 हमारे पास हो गया 10 इज इक्वल टू 66 ये यहाँ प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू में 4x आ गया 4x इज इक्वल टू 55 में से 66 में से 10 माइनस करेंगे तो 56 आ जाएगा। x इज इक्वल टू अगर 56 अपॉन 4 4 वन जा 4 4 4 जा 16 तो x जो है वो हमारे पास आ गया 14 ईयर मतलब कि जो साहिल की एज है वो हमारे पास 14 आ गई और जो उसकी मदर की एज है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास मदर की एज भी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास बंसी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज कॉइन्स इफ ही हैज 5 रुपीज एज ही हैज 5 रुपी कॉइन्स इफ ही हैज इन ऑल अ सम ऑफ 77 रुपीज हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज ही हैव। बोल रहे हैं कि जो बंसी है उसके पास जितने 5 रुपए के सिक्के हैं उससे 3 गुना उसके पास 2 रुपए के सिक्के हैं। अगर टोटल सबको मिला के उसके पास 77 रुपीज हैं तो हमें बताना है कि उसके पास जो है वो 2 रुपए के कितने सिक्के हैं और उसके पास 5 रुपए के कितने सिक्के हैं क्योंकि जो है वो 2 रुपए के सिक्के जो है वो 3 गुना है 5 रुपए के सिक्कों से। तो हम 5 रुपए के सिक्कों को जो है वो लेट कर लेते हैं तो लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन इसको हम मान लेते हैं कि वो एक्स है तो हमारे पास 2 रुपीज कॉइन कितने बन जाएंगे 2 रुपीज कॉइन हमारे पास बन जाएंगे 3x। तो अब जो है उसके पास टोटल जो है वो 77 रुपीज है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा कितने एक्स 5 रुपए के कितने सिक्के हैं एक्स और हर रुपए हर सिक्के की कितनी वैल्यू है 5 रुपए तो 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2 रुपए के कितने सिक्के हैं 3x और हर सिक्के की जो वैल्यू है 2 रुपए है तो 3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 6x हो जाएगा और ये मिला के हमारे पास है 77 रुपीज। 5 प्लस 6 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 11x इज इक्वल टू 77 x इज इक्वल टू आ गया 77 अपॉन 11 तो x इज इक्वल टू आ गया 7। 5 रुपए के उसके पास 7 सिक्के हैं और 2 रुपए के उसके पास 3 × 7 यानी कि 21 सिक्के हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 9, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363, फाइंड दिस मल्टीपल्स। अगर हम 11 के 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 366 आता है, हमें वो तीन नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे पहले तो कंसेक्यूटिव टर्म का मतलब होता है लगातार वाले नंबर्स, तीन लगातार नंबर, जैसे कि हम 1 2 3 4, ये सारे जो है वो कंटिन्यूसली ये लगातार नंबर है। तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार तीन नंबर, तो हमें तीन लगातार ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जो कि 11 के मल्टीपल हो और जब उनको ऐड करें तो वो 366 मिले। तो हमें लेट करना पड़ेगा, पहले तो लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर्स आर, पहला नंबर हम मान लेते हैं कि वो 11x है, दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर होगा 11x प्लस 11। जैसे कि अगर मुझे 2x के मल्टीपल ढूंढने हैं तो पहला नंबर 2x हो जाएगा, दूसरा नंबर उससे दो बाद आएगा, जैसे कि 2 4 6, दो दो का गैप होगा, ऐसे इनमें 11 11 का गैप होगा, पहला 11 फिर 22 फिर 33, तो 11 11 के गैप हो गए, तो पहला 11x हो गया, फिर 11x प्लस 11 हो गया। अब इस तीसरा नंबर जो है वो इससे भी 11 बड़ा होगा, मतलब कि 11x प्लस 11 पहले से ही था, 11 और ऐड हो जाएगा प्लस 22 हो जाएगा। तो ये तीन नंबर्स हो गए हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें जो है वो तीनों को ऐड करना है, 11x प्लस 11x प्लस 11x प्लस 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 363। ये हमारी इक्वेशन बन गई है, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 11x प्लस 11x प्लस 11x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 33x, 22 प्लस 11 हमारे पास हो जाएगा 33 इज इक्वल टू 366। ये यहाँ प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू में आ जाएगा 33x, 33x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 में से 3 गया 0, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 330। ये यहाँ मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया हमारा 330 डिवाइड बाय 33, आंसर आ जाएगा 10। मतलब कि हमारा जो तो पहला मल्टीपल है वो है 11 × 10 यानी कि 110। उसके बाद है हमारा इसमें 110 में 11 ऐड करना है 121, फिर 121 में 11 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 132। तो ये तीन नंबर है जिनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा जो है वो 363 आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल नंबर 10 है, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:5, व्हाट आर द टू नंबर्स। हमारे पास दो नंबर्स है जिनका डिफरेंस जो है वो 66 है, रेशियो उन दोनों नंबर्स की 2/5 है, हमें जो है वो दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो हम पहले जो है वो नंबर लेट कर, गिवन रेशियोज जो है वो हमारे पास है, गिवन रेशियो है हमारे पास 2:5, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट टू नंबर्स आर 2x एंड 5x। जब भी रेशियो में गिवन होता है तो हम उसको x के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे नंबर ले लेते हैं। और हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला गया है कि अगर हम दोनों नंबर्स को माइनस कर दे, दोनों नंबर का डिफरेंस यानी कि 5x में से अगर हम 2x माइनस कर दे तो हमारा आंसर जो है वो 66 आएगा। तो बस अब सिंपल रह गया, इसको सोल्व कर लेते हैं। 5x में से 2x माइनस करेंगे 3x आ जाएगा इज इक्वल टू 66, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 66 डिवाइड बाय 3 यानी कि 22। तो x की वैल्यू आ गई 22, तो नंबर हमारा क्या हो गया, एक नंबर हो गया हमारा 2x था वो हो जाएगा हमारा 44, एक था 5x, 5 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1010। आगे अब हम एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट सम देख रहे हैं। फर्स्ट सम है हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज द नंबर। अगर हम किसी नंबर में से हाफ को माइनस करें और जो आंसर आएगा उसको हाफ से मल्टीप्लाई करें तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 1/8 मिलेगा। हमें फाइंड आउट करना है कि हमने
नंबर कौन सा लिया था स्टार्टिंग में। तो पहले तो हम उस नंबर को लेट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का जो है वो हम फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी एक्स। हम नंबर को जो है वो एक्स मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कह रहे हैं कि हमें कोई नंबर लेना है, एक्स ले लिया, उसमें से हाफ को सब्ट्रैक्ट करना है, कर लिया, उसका जो आंसर आएगा मतलब कि इसको माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है हाफ के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/8। तो सिंपल क्वेश्चन है, आगे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 2 यहाँ डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस हाफ इज इक्वल टू 1/8 इंटू ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई उधर सॉरी यहाँ डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1/4। ये यहाँ माइनस का तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2। एलसीएम जो है वो हमारे पास 4 ही आ जाएगा, एलसीएम हमारा 4 आ गया, 4 × 1 = 4, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, ये आ गया 3/4, हमारा आंसर आ जाएगा 3/4। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने न्यूमेरिकल में किया था, तो मैं इसका क्या करूंगा, आपको सिर्फ इक्वेशन बना के दूंगा, आगे आप खुद से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब तक मैंने बहुत क्वेश्चन सोल्व किए हैं, आपको सोल्व करना आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके बस इक्वेशन बनाएंगे, बाकी आप आके जो है वो खुद सोल्व कर लेना। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल जो है वो हमें दिया गया 154 मीटर। बोला गया है कि इट्स लेंथ इज मोर देन, इट्स लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल। हमें बोला गया कि पेरीमीटर है उसका 154, उसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ के 2 गुना से 2 ज्यादा है, हमें दोनों की लेंथ और ब्रेथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो हम लेट बी को हम मान लेते हैं कि एक्स है, तो हमारा जो एल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो ट्वाइस है ब्रेथ के मतलब कि 2x, और इससे 2 ज्यादा है, और हमें जो पेरीमीटर है वो गिवन है 154 मीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारा होता है 2 × L + B इज इक्वल टू 154। एल की वैल्यू क्या आ गई, एल हमारा आ गया 2x + 2, और बी हमारा हो गया एक्स इज इक्वल टू 154। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2x + x 3x + 2 इज इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाय 2। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 77। ये यहाँ प्लस का, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 77 - 2 इज इक्वल टू 75। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ गया हमारा 25। ब्रेथ जो है वो उसकी 25 है, और लेंथ उसकी 25 को 50 + 2 = 52, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द बेस ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल इज 3/4 cm, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 × 2/15 cm। हमें बोला जा रहा है कि कोई आइसोसेलस ट्रायंगल है, उसका जो बेस है, उसका जो बेस है वो हमें दिया गया है 4/3 cm। क्योंकि बोला गया है कि आइसोसेलस ट्रायंगल है, इसीलिए इसकी ये दोनों साइड्स जो है वो बराबर होंगे, तो हम जो है वो इनको एक्स एक्स मान लेते हैं। तो पहले तो लेट करेंगे, लेट द साइड ऑफ ट्रायंगल बी एक्स, और हमें क्या गिवन है, हमें जो है वो उसका बेस गिवन है, बेस जो है वो हमारे पास है 4/3 cm, और हमें क्या गिवन है, और हमें पेरीमीटर गिवन है। पेरी मैं प्रॉपर जो है वो स्टेटमेंट लिख नहीं रहा हूँ, आप जब पेपर में करोगे तो आप करना, क्योंकि मुझे जो है वो जल्दी से सॉल्व करने। तो पेरीमीटर हमें कितना गिवन है, 4
इंटू 2/15, तो इसको सोल्व करेंगे, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 60 में 2 ऐड करेंगे 62/15 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देते हैं, पेरीमीटर जो होगा वो ट्रायंगल क्या क्या होता है, तीनों साइड्स का सम, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितने 62/15। अब ए बी हमने क्या मानी है, ए बी हमने एक्स मान ली, बी सी हमें गिवन है 4/3, सी ए हमने एक्स मान ली इज इक्वल टू 62/15, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 62/15, ये यहाँ प्लस तो उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, 62/15 माइनस 4/3, सोल्व करेंगे एलसीएम तो 15 ही आ जाएगा, यहाँ पे आ गया हमारा 62, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, सॉरी 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो ये हो जाएगा हमारा 42/15, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 21/15, यानी कि 3/5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, इफ वन नंबर इज एक्सीड द अदर बाय 15, फाइंड द नंबर्स। हमें बोला गया है कि दो नंबर्स का सम जो है वो 95 है, अगर एक नंबर दूसरे से 15 बड़ा है तो हमें जो है वो नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स, एक नंबर को जो है वो हम एक्स मान लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, तो सेकंड कितने, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा वो क्या है, वो वन एक्सीड बाय द अदर बाय 15, एक्सीड का मतलब होता है बड़ा होना, तो सेकंड जो है वो एक्स से 15 बड़ा है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास है इन दोनों का सम जो है वो 95 है, मतलब कि x प्लस 15 इज इक्वल टू 95, xx 2x हो गया इज इक्वल टू, ये 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 95 माइनस 15 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 80, 80 को 2 से डिवाइड करेंगे 40, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40, हमारा एक नंबर जो है वो 40 होगा, फर्स्ट नंबर हमारा जो है वो 40 हो जाएगा, और सेकंड नंबर जो है वो हमारा हो जाएगा 40 में 15 ऐड करेंगे 55 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसा हमने जो है वो अभी एग्जांपल में करा था, तो ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर्स। हमें बोल रहे हैं कि थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है वो 51 आता है, हमें बताना है कि वो इंटीजर्स क्या होंगे, तो हमें लेट करने पड़ेंगे, लेट द नंबर्स बी, लेट द नंबर्स बी, एक नंबर को हम एक्स मान लेते हैं, उससे अगला नंबर होगा एक्स प्लस वन, उसका उससे अगला नंबर होगा इससे भी एक बड़ा, यानी एक्स प्लस वन यानी कि टू, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, अगर हम तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमें जो है वो 51 मिलेगा, यानी कि एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 51, एक्स प्लस एक्स 2x प्लस एक्स 3x प्लस 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 51, ये 3 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 3x, 3x इज इक्वल टू यहाँ आ गया 48, यहाँ 3 मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 48 बाय 3 1 6, तो x की वैल्यू आ गई 16, तो एक नंबर हमारा 16 है, एक 17 है और एक हमारा 18 है, तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो 51 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 880, 8
88 फाइंड द मल्टीपल। अगर हम तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, ऐड करें सॉरी, जो कि 8 के मल्टीपल है, तो हमें ट्रिपलेट आंसर मिलता है, फाइंड द मल्टीपल। ये सिमिलर क्वेश्चन है जैसा हमने एग्जांपल में किया था। एग्जांपल में हमने 11 के मल्टीपल किया था, तो डिफरेंस क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में, जहां जहां पे मैंने 11 लिखा आपको जो है वो 8 करना है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8x, पहला नंबर 8x हो जाएगा क्योंकि ये 8 का मल्टीपल है, दूसरा नंबर 8x प्लस 8 हो जाएगा, तीसरा नंबर हमारा 8x प्लस 16 हो जाएगा, क्योंकि 8x प्लस 8 में एक बार फिर से ऐड 8 ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे पहले 11 था, फिर 22 हुआ, फिर पहले यहाँ पे आएगा 8x, फिर आएगा 8x प्लस 8, फिर यहाँ पे आएगा 8x प्लस 16, और सबको तीनों को ऐड करके हमारा ट्रिपल 8 बनेगा, सेम इक्वेशन बन जाएगी। आप कर सकते हो, खुद से कर लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। आगे है हमारे पास, थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर सच डेट वेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 and 4 रिस्पेक्टिवली दे एड अप टू 74, फाइंड दीज नंबर्स। हमें बोला जा रहा है कि हमें तीन नंबर्स लेने हैं कॉन्जिक्यूटिव, उनको जो है वो पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे नंबर को 3 से और तीसरे को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब इनको ऐड करेंगे तो हमें 74 मिलेगा। तो पहले तो हम सेम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को जो है वो लेट कर लेते हैं, लेट द थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर, लेट द नंबर्स आर, एक नंबर हम एक्स मान लेते हैं, एक हमारा एक्स प्लस 1 हो जाएगा और एक एक्स प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हमारे तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। अब हमें क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो हमें बोला जा रहा है कि पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 2x, दूसरे नंबर को जो है वो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3 इंटू एक्स प्लस 1 यानी कि हो गया 3x प्लस 3, तीसरा नंबर हमारा क्या हो गया, तीसरे नंबर को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4x प्लस 8। अब क्या करना है, सबको ऐड करना है, ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8, ये सारे ऐड होके हमें क्या दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं 74। तो ऐड कर लो, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9x, 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 हमारे पास 11 हो जाएगा इक्वल टू 74, 11 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 74 माइनस 11 इज इक्वल टू 9x, ये हो जाएगा 3, 6, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7। तो पहला नंबर हमारा 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9, द एज ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7, 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years, वट आर देयर प्रेजेंट एजेस। हमें बोल रहे हैं कि राहुल और हरून की जो एज की रेशियो है वो 5:7 है, 4 साल बाद जो उनकी एज का सम है वो 56 year है, हमें उनकी प्रेजेंट एज बतानी है कि उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता होता है, तो हम मान लेते हैं लेट राहुल से एज, हम मान लेते हैं कि राहुल एज क्योंकि वो 5:5 है तो ये हो जाएगी 5x, और हारून की एज हम मान लेंगे, हारून की एज हम हो जाएगी 7x। बोल रहे हैं 4 साल बाद, आफ्टर 4 years, आफ्टर 4 years जो राहुल की हो जाएगी, राहुल की एज क्या हो जाएगी 5x प्लस 4, और हारून की एज क्या हो जाएगी, हारून की एज हो जाएगी 7x प्लस 4। बोल रहे हैं कि उनको अगर हम ऐड करते हैं तो 56 मिलेगा, दोनों को ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4, हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 56। 5x प्लस 7x ये हो जाएगा हमारे पास 12x, 4 प्लस 4 8 इज इक्वल टू 56, यहाँ प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, फिफ्टी सिक्स में से 8 माइनस करेंगे तो 48 आएगा, उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यानी कि जो राहुल की एज है अभी वो है 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 years, और हारून की एज जो है वो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 years। आगे है क्वेश्चन नंबर 10,
द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स आर इन द रेशियो 7:5. द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. वट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास. हमें बोल रहे हैं कि जो गर्ल्स और बॉयज की रेशियो है वो 7:5 है. जो बॉयज है वो 8 ज्यादा है गर्ल्स से. हमें जो है वो टोटल स्ट्रेंथ पता करनी है कि क्लास की क्या है. तो लेट कर लेंगे हम फिर से. लेट द नंबर ऑफ बॉयज क्योंकि उनकी रेशियो जो है वो 7:5 है, तो ये हो जाएंगे हमारे 7x बॉयज हो जाएंगे और गर्ल्स का नंबर हमारा हो जाएगा 5x. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जो लड़के हैं वो लड़कियों से 8 ज्यादा है. मतलब कि अगर मैं लड़कों में से लड़कों को माइनस कर दूं, 7x में से 5x को माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 8 मिलेगा क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 8 है, लड़के 8 ज्यादा है. तो 7 में से 5 माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 8, 2 उधर जाके डिवाइड तो x की वैल्यू आ गई 4. तो लड़के कितने हैं, लड़के हैं 7 4 20 और लड़कियां कितनी है 5 4 20. दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48. तो टोटल जो स्ट्रेंथ है क्लास की वो होगी हमारी 48 की. क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास. बाइचुंग्स फादर इज 26 इयर्स यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 20 years older than Baichung. The sum of the their age, all the three ages is 135 years. What is the age of each one? हमें तीन persons बोला है, Baichung's father, Baichung and Baichung's grandfather. बेटा, पापा और दादा तीन persons है हमारे पास और तीनों का जो है वो एज का रिलेशन गिवन है और बोला गया कि अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो हमें 135 मिलता है. हमें बताना है कि तीनों की अलग अलग एज क्या होगी. तो बाइचुंग के पापा जो है वो दादा से जो है वो 26 साल छोटे हैं और बाइचुंग से जो है वो 29 साल बड़े हैं. बाइचुंग के जो पापा हैं वो दादा से 26 साल छोटे हैं और बाइचुंग से जो है वो 29 साल बड़े हैं. तो हमें जो है वो किसी एक की एक्स मानना होगा. तो हम क्या करते हैं, बाइचुंग के जो फादर हैं उनकी हम एक्स मान लेते हैं. फादर की जो एज होगी उसको हम मान रहे हैं कि वो एक्स है. फादर से एज हमने एक्स मान ली. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर क्या हो जाएंगे, ग्रैंडफादर हमारे हो जाएंगे क्योंकि पापा जो है वो दादा से 26 साल छोटे हैं. तो यानी कि ग्रैंडफादर जो होंगे, दादा जो होंगे वो पापा से 26 साल बड़े होंगे. तो हम दादा को लिख सकते हैं एक्स प्लस 26, 26 साल बड़े हैं वो. और बाइचुंग यानी कि सन, सन कितना, पापा जो है वो उससे 29 साल बड़े हैं, मतलब कि वो पापा से 29 साल छोटा है, यानी कि x माइनस 29. तो ये तीनों की एज होगी हमारी. अब हमें क्या करना है, तीनों को ऐड कर देना है. तीनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा x प्लस 26 प्लस x माइनस 29 इक्वल टू हमें दे रहा है 135. x प्लस एक्स ये हो जाएगा 3x, ये हो गया हमारा प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 135. इधर माइनस उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, 135 प्लस 3 हमारे पास आ गया 138. x की वैल्यू आ गई 138 डिवाइड बाय 3, 3 4 12, 3 6 18. तो x की वैल्यू आ गई 46 इयर्स. तो मतलब कि उसके पापा जो हैं, बाइचुंग के जो पापा हैं वो 46 के हैं. बाकियों की आप जो है वो निकाल सकते हो इसमें से. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12. 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज. व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज. जो रवि की 15 साल बाद की एज होगी वो उसकी प्रेजेंट एज का 4 गुना होगी. आज की उसकी एज जो है वो हमें पता करनी है. तो एक्स मान लेते हैं उसकी प्रेजेंट एज को. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि विल बी एक्स. लेट द प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स. इसको हम एक्स मान लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आफ्टर 15 ईयर्स. आफ्टर 15 ईयर्स मतलब कि एक्स
प्लस 15, 15 साल बाद जो इसकी एज होगी वो क्या होगी, वो है 4 टाइम्स इज प्रेजेंट एज, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ एक्स। तो इसको सॉल्व करना आसान क्वेश्चन है, 15x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x, ये यहाँ प्लस का उधर जाके माइनस का आ जाएगा, 4x माइनस x करेंगे तो ये 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 15, ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 ईयर्स। तो आज जो है वो रवि 5 साल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू विल गेट -7/12, व्हाट इज द नंबर। ये सेम क्वेश्चन है जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करना है इसको। मैं इसकी इक्वेशन बना के दे देता हूँ कि कैसे करना है, बाकी आप खुद से सोल्व कर लेना। हमें एक रैशनल नंबर लेना है, व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, मतलब कि एक नंबर है एक्स, जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 के साथ, मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड एड, उसके ऐड कर देना है हमें 2/3 एंड यू विल गेट, हमें मिलेगा -7/12। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, इसको सिंपलीफाई कर लेना आप, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी x इंटू 5 प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7/12। इसको सोल्व करके आप जो है वो इसका आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 भी जो है वो हमने किया है, सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने एग्जाम्पल्स में किया था। इसमें जो है वो कैशियर है, कैशियर के पास 100, 50 और 10 रुपए के सिक्के हैं, उनकी जो रेशियो है वो हमें 2:3 वो हमें 2, 3 और 5 की रेशियो गिवन है। हमें जो है वो सभी नोट्स जो है वो पता करने हैं, टोटल जो है वो उसके पास 4,00,000 रुपए है। तो अलग अलग जो है वो इक्वेशन क्या बनेगी, जो इसके पास 100 रुपए के नोट होंगे वो हमारे पास कितने हो जाएंगे, वो आ जाएंगे 2x, इसी तरह जो 50 रुपए के नोट होंगे वो उसके पास हो जाएंगे 3x, और उसके बाद जो 10 रुपए के नोट हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे पास 5x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला है यहाँ पे, अब 100 रुपए के कितने नोट हैं, 2x, और हर नोट की वैल्यू कितनी है 100 रुपए, तो ये हो जाएगा हमारा 200x प्लस 3 को 5 से 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 150x प्लस 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50x, ये सारा मिला के जो है ये बनेगा 4,00,000। इक्वेशन बन गया, सिंपलीफाई करना, सोल्व कर लेना, आपके पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ये फिर से वही जो है वो और पैसों के बारे में है, फिर से कॉइन्स का रिलेशन गिवन है, इजी क्वेश्चन, आप ये खुद से कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी जो है वो सेम ऐसा ही है, आप इनको खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.3। तो 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18, तो ये 2x इधर प्लस का है तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 18, 3x में से 2x माइनस करेंगे तो x इज इक्वल टू 18 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5, तो ऐसे क्वेश्चन इसको कैसे करते हैं, टी वाली टर्म्स एक तरफ कर लेंगे और बिना टी वाली एक तरफ कर लेंगे, तो 5t ये यहाँ प्लस का है तो इधर आके माइनस का t हो जाएगा, इस माइनस 5 को ऐसे लिख लेंगे, ये इधर माइनस का 3 है तो इधर आके प्लस का 3 हो गया, 5 में से 3 माइनस करा 2t प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस करेंगे माइनस का 2t इज इक्वल टू आ जाएगा -1, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं इसका, ये है हमारे पास 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x, सिमिलर वैसे ही करना है, x वाली टर्म्स को एक तरफ, बिना x वाली टर्म एक तरफ, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 9, ये हो गया हमारा 2x इज इक्वल टू माइनस का 4x इज इक्वल टू -4/2 यानी कि -2,
ऐसी क्वेश्चन नंबर फोर भी जो है वो सिमिलर है, आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फाइव भी आसान है, ये हो जाएगा। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स का सिक्स पार्ट कर देता हूँ मैं इसके लिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और मुझे जो है वो आपका सिलेबस जो है वो खत्म करना है जल्द से जल्द एग्जाम से पहले पहले। तो ये है हमारे पास ए टैक्स प्लस फोर इज इक्वल टू थ्री इंटू एक्स माइनस वन प्लस सेवन, इसको ऐसे लिख लेंगे फिलहाल, और इसको थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स, थ्री को माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री प्लस सेवन, ये हो जाएगा। अब एक्स वाली और बिना एक्स वाली टर्म एक तरफ कर लेते हैं, ये एट एक्स यहीं रह जाएगा और ये थ्री एक्स इधर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस सेवन में से थ्री माइनस करेंगे तो फोर आ जाएगा, ये इधर प्लस का है तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइव एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी जीरो। क्वेश्चन नंबर सिक्स के जैसे क्वेश्चन नंबर सेवन भी है, वो आप खुद से ट्राई कर लेना, मैं आप कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर एट है हमारा टू एक्स अपॉन थ्री प्लस वन इज इक्वल टू सेवन एक्स अपॉन फिफ्टीन प्लस थ्री, तो x वाली टर्म से एक तरफ और बिना x वाली टर्म से एक तरफ, तो ये हो जाएगा हमारा 2x ओवर 3 ऐसे रह जाएगा, ये यहाँ प्लस का है तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 3, ये यहाँ प्लस 1 था तो इधर आके माइनस का 1 हो गया, एलसीएम इसका 15 आ जाएगा, 5 टू जा 10x माइनस 7x इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा हमारा 10x में से 7x माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, 15 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 टू जा 30, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 अपॉन 3 यानी कि 10, तो x इज इक्वल टू हमारा हो गया 10। इसका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो एग्जैक्ट सेम है, आप कर लेना, मैं जो है वो आपकी कन्वीनियंस के लिए क्वेश्चन नंबर 10 जो तो जो है वो बहुत आसान है, ये भी कर लोगे, मैं 9 ही कर देता हूँ आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सॉल्व कर देता हूँ, 10 जो है वो आसान है, वो आप खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26 अपॉन 3 माइनस वाई, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, y वाली टर्म से एक तरफ कर लेंगे, ये हो जाएगा 2y, ये इधर माइनस है तो इधर आके ये प्लस का y हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन 3, इधर प्लस तो उधर जाके माइनस, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 3 अपॉन 26 में से 5 माइनस करेंगे 21 आ जाएगा, ये 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 7 ये आ जाएगा 7 अपॉन 3y की वैल्यू आ जाएगी 7 अपॉन 3। तो इसके साथ हमारी जो है वो एक्सरसाइज 2.3 जो है वो कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 2.4 के लिए जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि वो बहुत लंबी एक्सरसाइज है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, 2.4 एक्सरसाइज जो आपको बहुत जल्द उसकी वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आई हो तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।